तो हेलो सर, वेलकम टू एस फ्राइंग चैनल, आपका स्वागत है एक नई वीडियो साथ। तो जैसे तो आज मैं आपको दिया ड्यूक 200, सॉरी भूल गया, आरसी 200 है ये, ड्यूक नहीं है, गलती से ड्यूक निकल गया। तो आरसी 200 है, अब ध्यान मत देना कि इसमें हमें इतना कुछ खोल रखा है, तो कुछ इंजन का नहीं काम करेंगे, कुछ ऐसे ही कुछ साउंड के ऊपर काम है, वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले करते हैं बाइक को स्टार्ट, सबसे पहले आप साउंड सुनो कैसे साउंड कैसा आ रहा है इसका। तो चलिए चाबी होगी ऑन, करते हैं बाइक को स्टार्ट। देखो साउंड सुनो, इंजन का साउंड में ध्यान में देना भाई मेरे, इंजन को भूल जाओ, बाकी जैसे ही मैं बाइक का गियर डालूंगा और आप साउंड सुनो, ये थोड़ा सा मैं रेस दो आवाज देखो, एकदम अलग आवाज है, देखो टूट रहा अंदर से, रेस देना और ये देखो ऐसे ऐसे टूट गया कुछ, और ये आवाज़ आ रही है भाई साहब यहाँ से, चैन से, चेन में से आवाज़ आ रही है। तो एक बार पहले बाइक को बंद करते हैं, तो साउंड बाइक का ज़्यादा होगा, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी आपको। तो जैसे कि आपने सुनी होगी आवाज़, ऐसा आ रहा है कुछ ऐसे को इसके अंदर को टूट रहा हो, चेन में को टूट गया, लेकिन यहाँ देख लो ये इसकी हालत हो गई है। और ये आवाज़ क्यों आ रही है मैं पहले बताऊँगा, उससे पहले मैं पहले इसका फ्रंट इस पॉकेट कवर खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आवाज़ क्यों आ रही है, और आपको पता लग जाएगा किस वजह से इसमें आवाज़ आ रही है। तो चलिए पहले खोलते हैं, तीन पेच होते हैं इसमें, ये 8 नंबर का, 6 नंबर इनकी का। तो इसको यहाँ पे खोलेंगे तो अपना यहाँ से ये कवर, प्लास्टिक कवर जिसे बोलते हैं, चेन का कवर, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो इसका कवर था खोल लिया, देख लो अब इसकी हालत देखो क्या भाई साहब, अगले के जो पॉकेट है पूरे कट चुके हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से खोल के दिखाता हूँ, और ये क्यों कट गया मैं बताता हूँ। ये चेन देख लो आप, चेन अच्छी तरह ड्राइव हो रही है बहुत ज़्यादा यार, इसको ना टाइम पर चेन व चेन लूप कराना चाहिए। मैं जानता हूँ कि लोग कतराते हैं यार चेन लूप और इस पर महंगा पड़ता, तो भाई ज़रूर नहीं वो डालो, आप चाहो तो कोई सा साफ इंजन खरीद लो और से डालो, अगर वो भी ना मिले तो सबसे आसान तरीका गियर ऑयल मिलता है, हर जगह मिल जाएगा गियर ऑयल, वो ले लो, 150 रुपये का आएगा आपका, कम से 5-6 महीने निकाल दे वो डाल लो, उससे कम से आपकी चेन की लाइफ तो बनी रहेगी, चेन तो बढ़िया चलेगी। तो कई लोग क्या है साउंड को देख के सोचेंगे इंजन में दिक्कत, ऐसा नहीं था, मैंने आपको दिखा भी दिया, कई लोग के माइंड में आता है ये माइंड आता कस्टमर के दिमाग में, जिनकी बाइक होती है जब वो बाइक चलाते हैं उन्हें खटखट की आवाज़ आती है पीछे, तो हो सकता है यार कोई इंजन में से गियर टूट गया या कुछ पहिया टूट रहा है या फिर इंजन में कुछ टूट रहा है, तो वैसा उनको फील होता है। बट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया ऐसा नहीं है, जब आपकी बाइक में ऐसे कुछ आवाज़ आए पीछे से तो हो सकता है आपका चेन छेड़ में दिक्कत हो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यही तो है चेन के बारे में बातें, और मैं आपको खोलता हूँ उसको दिखाता हूँ चेन की हालत है, और उसे प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा मैं इसके बारे में कि चेन को आप कैसे कैसे इसको करना है, अपनी चेन की केयर कैसे करनी है जिससे कि आपको चेन छेड़ की लाइफ बढ़ जाए। तो चलिए इसे खोलते हैं पहले। तो मैंने यहाँ से 8 नंबर का जो पेज तो खोल लिया, अभी मैं इसके लॉक को बाहर निकालूंगा, ये आगे लॉक अपना बाहर, और भाई आप देख लो असली तो अब ऐसी है, इसकी हालत देखो क्या है, ये लो ये हालत है, ये लग रहा है जैसे कि कोई क्या बताऊँ, बच्चे बचपन में खेलते नहीं थे वो टायर के बना के पहिए का गाड़ी बनाते, वैसे गोल टाइप बन गया, तो हल्के से भी इसमें दांते नहीं दिख रहे आपको, दिख रहे कहीं पूरा गोल है, तो ये इसकी होगी हालत। तो अब खोलते हैं इसकी चेन और फिर बाहर निकालते हैं इसके चेन सेट को, और पूरा खोलने का आपको दिखाते हैं कि चीज़ चेक कराएंगे कि क्या दिक्कत है इसमें क्या नहीं, और पीछे वाला इस पॉकेट में क्या ख़राब है चेन में क्या, तो इसके लिए बहुत कुछ खोलना पड़ेगा जैसे कि मरगाड़ वगैरह। तो चलिए खोलते हैं इसको फिर। तो जैसे कि देखो यहाँ पे अभी हमने इसकी चेन यहाँ पे डीली कर ली है, यहाँ पे पहिए का एक्स्ट्रा निकाल लिया है, अब निकालेंगे पीछे के व्हील को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे जब मरगाड़ अपना पीछे का व्हील, ये इसकी चेन बाहर आ गई है, पढ़ जल्दी निकालो बाहर, उठा के निकालो फटाफट, कैलिपर हटाओ वहाँ से, कैलिपर हटाओ कैलिपर। तो ये अभी खुला आ गया एक्सल, तो कैसे चैन सेट को खोलने के लिए ना पूरा ताम झाम खोलना पड़ता, ये सारी चीज़ें निकलती हैं सारा, ये कई फुटर्स वगैरह, ये स्टा बोल्ड, ये मरगार्ड, ये सिमगांग के बोल्ड लूज होते हैं मैन जो होते हैं, यहाँ से पहिया अपना हट गया है। अब मैं आपको पीछे का स्पॉकेट हालात दिखा दो क्या है, बड़ा दिखाओ पीछे का स्पॉकेट निकालो, ये देखो लो इसमें जो कटता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा दिखाना चाहूँगा अच्छी तरह से कि ये देखो ये गैप बढ़ जाता है, और शायद आपको नज़र पता नहीं मुझे लग रहा आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये जो जिसके होते हैं तीत जिसे होते हैं इस पॉकेट के दांते बोलते हैं, ये पहने हो जाते हैं, और देखो टेढ़े दिख रहे हो आपको दिखा, ये टेढ़े हो जाते हैं, देख लो ये भाग रहे तरफ, तो ये चीज़ें कट जाती हैं, इसको रखते हैं साइड में। अभी मैं अगला खुलने वाला है, आपको चेन की हालत दिखाऊंगा, ये बस चेन जैसे आपको दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा ड्राइव है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, और मैं इसमें दिखाऊंगा कि कटा हुआ क्या चीज़ है, जो उसमें मतलब क्या चीज़ कटती है और आवाज़ क्या करती है, तो वो सब दिखाऊंगा। तो ये खुल रहा है देख लो,
यहाँ पे 19 नंबर की यूनिट होता है और यहाँ पे 14 नंबर का होता है और यहाँ भी 14 का होता है। उसके बाद ये खुलेगा, उसके बाद गेली भाई यहाँ से खोल लो या वहाँ से, आपकी मर्जी है। बट मेरे पास जो है वो आप अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएंगी। तो अभी खुलने वाला है, तो ये यहाँ पे खुल गया, देखो गेली पर खुल गया, सारे खुल गया। इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं। निकाल बेटा बाहर निकालो, बाहर खाचो आ जाएगा, बाहर खाचते रहो। ये जाम पड़ा क्योंकि बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी थी ना, देखो ये जाम है, इसलिए इसको पहले इसके लूप लगाओ, अंदर लूप लगाओ। तो इसमें हमने छोड़ दिया, देखो ये लूप लग गया यहाँ पे, इसका हमें नहीं निकला था, इंजन ऑयल भी डालना पड़ा है साफ। यहाँ देखो कितनी आराम से आ गया ये देखो कितनी प्यार से आ गया। और इसका बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे सेंसर होता है, इसको खींचने वाचने तार टूट जाए सेंसर की तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। और साथ के साथ ये स्टैंड के जो बोल्ट होते हैं इनको भी टाइट कर लिया कर, जब स्टैंड खोलता है आपका। तो ये चेन बाहर आने वाली है, इसलिए क्या करना पड़ेगा अभी हम, तो अब ये बस ये मरगाट रहेगी अपने चेन कवर, इसको खोलेंगे और अपनी चेन यहाँ से बाहर आ जाएगी, बाहर निकल बेटा चेन खोला आड़ की डी से खोल। ये खुल गई इसकी चेन, यहाँ पर थोड़ा लंबा बोल्ट होता है, 8 नंबर का होता है यहाँ पे। ये जो आ रहा है यही है, ये बाहर आ गया। ये देखो ये कुछ ऐसा बोल्ट होता है इसके अंदर 8 नंबर का आ रहा है। देखो देखो इसे निकालो बेटा, इसको पकड़ो चेन निकालो, ये देखो चेन निकालो, ये देखो चेन बाहर आ गई। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ ख़राब क्या होता है इसमें। बड़े पकड़ चेन पकड़, ये देख लो, ये देखो ये घूम रहा है, हिल रहा है। ये चेन के अंदर लॉक होते हैं और यहाँ पे होती है इसके अंदर ऑल रिंग, जिसे बोलते हैं ये ऑल रिंग वाली चेन है। इनमें गैप बढ़ जाता था, ये बजने लगता है, लूज होते हैं बजने लगते हैं, गैप बढ़ता था, अगर टकराते हैं ये आवाज़ आती है यहाँ से, इसलिए जल्दी से ख़राब आते हैं। और जब ये ख़राब होते हैं तो फिर वो आवाज़ करने लगती है। तो यही चीज़ें थी चेन का, तो ये हालत है चेन की, बहुत ज़्यादा ड्राइव थी, देखो जंग भी लग गया देख लो यहाँ पे भाई। तो उसको रखते साइड में, चलिए अब मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कौन सी कंपनी का चेंजर डाल रहा हूँ। इसमें डालता हूँ रोलन का ब्रास एक्स रिंग, जो कि हाई परफॉर्मेंस चेंजर है, जिसकी लाइफ ओरिजिनल से कहीं ज़्यादा होती है। और उसमें साथ साथ एक्स रिंग होता है, एक्स रिंग में आपको मालूम ही है कि एक्स रिंग की तो लाइफ ज़्यादा होती है, जो ऑल रिंग होती है। पर ऐसा नहीं है तो ऑल रिंग उसमें भी होती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना, जैसे बात करते हैं इसकी, ये जो अंदर की जो ये जो गोल जो बैरिंग है, ये इनके हैवी होते हैं जो बहुत कम करते हैं, जिसके से इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। और इसमें एक खासियत और है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मैं पहले आपको चेंजर दिखाता हूँ। तो ये है नया पीछे का स्पॉकेट, ये डालने जा रहे हैं इसके अंदर और इसको फिट करते हैं। और बाकी जैसे जैसे काम करते रहेंगे आपको सब बताते रहेंगे। और सबसे पहले इसमें क्या होने जा रहा है, सबसे पहले होगी इसकी सफाई। आप इसकी पहले शक्ल देख लो, क्या शक्ल हो रखी है इसकी, क्या हालत है, जंग हरदी का मिट्टी वगैरह डस्ट जमी हुई है। तो पहले हम करते हैं मतलब क्लीन सफाई का, आपको ध्यान देना, जैसे मैं हर वीडियो बताता हूँ सफाई पहले, सफाई होगी जब भी करने में मज़ा भी आएगा। तो करते हैं सफाई, सफा करते हैं उसका, फिर फिट करेंगे और आपको सारी चीज़ दिखाते रहेंगे। ये अगर इसकी हालत है, क्या हालत हो रही है, हर जगह गंदे हो रहा है। और नट बोल्ट भी देखो, कहाँ नट बोल्ट का बेटा, यहाँ देखो इस नट बोल्ट को दिखाएंगे, ये देख लो ये भी हो रहा है। तो अभी इसको करते साफ पूरा नीट और क्लीन, फिर आपको दिखाएंगे इसको साफ करने के। तो फिट करने से मैं क्यों ना आपको मैन चीज, ये होता है इसका चेन स्लाइडर, एक चेन स्लाइडर बोलते हैं इसे, एक बोलते हैं इसे, मैंने कई लोगों को देखा ये कटा हुआ होता है फिर भी नया चांसर डालते हैं, उसके बाद आवाज़ बंद नहीं होती और परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आप चांसर डालते हो तो इन दोनों का, इसका और इस चेन स्लाइडर का ज़रूर ध्यान दें, ये सही होना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं फिट, बाकी कई लोग फिटिंग में गड़बड़ी करते हैं, उल्टा सीधा लगाते हैं। तो चलो कोई नहीं, हम सही फिट कर देते हैं इसको, लगा बड़ा फिट करते हैं। तो इसको लगाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक बड़ा वाला एक्सल लगता है इधर, इधर 14 नंबर का होता है, ये लगता है उधर, ये लगता है 8 नंबर टाइट हो गया, यहाँ से फुल टाइट हो जाएगा, उसके बाद अपनी यहाँ पर चैन आराम से फिट हो जाएगी। तो चलिए क्यों ना मैं सोचा आपको पूरी गाड़ी फाइनल करने के बाद ही दिखाता हूँ कि क्या छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है कोई नहीं, इसको करते हैं फिट, फिर आपको दिखा फाइनली ओके होने के बाइक को दिखाया जाएगा। जैसे तो अपना चैन सेट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब मैं बाइक पूरी रेडी करूँगा उसके बाद आपको दिखाऊँगा चैन सेट फिटिंग के बाद। तो यहाँ अपना इंजन चैन सेट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, फिट वगैरह हो चुका है, चेन वगैरह देते पूरी गोल्डन की ब्रास आती है। ये ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं ना ये पेंट उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जब तक रहेगा ऐसा ही रहेगा। हाँ अगर आप थोड़ा लेट करते हो तो थोड़ा जंग टाइप, मतलब जंग नहीं मिट्टी चिपक जाएगा, लेकिन साफ करोगे जब इसको ढंग से क्लीन करोगे तो प्रॉपर ये अपने रंग पे आ जाएगा, जो कि इसका कलर है गोल्डन, तो यही कलर हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ सिखाई हैं, पहली आपको अपनी बाइक में केयर कैसे करनी है चेन की, दूसरी कि हर मैकेनिक को चेन शर्ट इस तरीके से डालना है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी और चेन शर्ट लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर इस तरीके से डालोगे तो ना कोई चेन शर्ट खराब होगा, नहीं टूटेगा और चेन में लाइफ भी अच्छी आएगी।